नमस्कार दोस्तों। तो भाई कैसे हैं आप सभी लोग। जैसे कि आपको पता है, हमारी जो चर्चा लगातार चल रही है प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री परिषद के मुद्दे पर चल रही है। तो आज इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और कुछ नए सवाल करेंगे इस मुद्दे पर। आगे बढ़ने से पहले एक बात ध्यान से सुन लीजिएगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको अनअकैडमी ऐप का लिंक मिलेगा, वहां पर जाकर उसको डाउनलोड कीजिएगा, जिससे आपको वहां पर बहुत सारा कंटेंट, बहुत सारी क्लासेस देखने को मिलेंगी, जिसमें फ्री कंटेंट भी है, पेड कंटेंट भी है। और दोनों को प्राप्त करने के लिए ध्यान रखिएगा, कूपन कोड लगेगा सिविल इंडिपीडिया। फ्री कंटेंट तो एक्सेस हो ही जाएगा, अगर आपको पेड कंटेंट प्राप्त करना है तो ध्यान रखिए, कूपन कोड जब आप सिविल इंडिपीडिया लगाएंगे तो आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके अलावा जब आप अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड करें तो वहां पर यूपीएससी सीएससी जीएस गोल सेलेक्ट कीजिएगा और मेरा नाम सर्च कीजिएगा, वरुण पचौरी, जिसको वहां पर जाके आपको फॉलो करना, क्लासेस करना चालू कर देनी है। ठीक है, चलें भाई तो आज के डिस्कशन की शुरुआत करें। चलिए तो आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं और देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। राष्ट्रपति और मंत्री परिषद के बीच संवाद की मुख्य कड़ी निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए मंत्रिमंडल, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी कैबिनेट सचिव, ऑप्शन डी है मीडिया। अब ये सवाल कहां से पूछा गया है? आपको याद हो हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 74। आर्टिकल 74 में क्या कहा गया था? आर्टिकल 74 में कहा गया था भारत का जो राष्ट्रपति है वो प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की सिफारिश पर काम करेगा। हमने डिस्कस किया था राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी, यानी कि राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा और राष्ट्रपति अपने कर्तव्यों का प्रयोग करने में ऐसी सलाह के अनुसार कार्य करेगा। अब यहां पर देखिए हमने क्या देखा, हमने ये देखा कि भारत का राष्ट्रपति कैसे काम करता है, प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की सिफारिश पर काम करता है। तो मंत्री परिषद का नेतृत्व किसके पास है? प्रधानमंत्री के पास। लेकिन अगर आप यहाँ पर एक चीज देखें, मंत्री परिषद की यदि बात यहाँ पर राष्ट्रपति तक पहुंचानी है तो कौन पहुंचाएंगे? आपके प्रधानमंत्री, क्योंकि संवाद की मुख्य कड़ी कौन? प्रधानमंत्री। अगर राष्ट्रपति की कोई बात मंत्री परिषद तक पहुंचानी है तो कौन पहुंचाएंगे? आपके प्रधानमंत्री। यानी कि मंत्री परिषद की कोई बात प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रपति तक पहुंचाई जाती है और राष्ट्रपति की कोई बात प्रधानमंत्री के द्वारा यहां पर मंत्री परिषद के पास पहुंचाई जाती है। तो ऐसे में मंत्री परिषद और राष्ट्रपति के बीच में जो कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होता है वो आपके प्रधानमंत्री के द्वारा एस्टेब्लिश होता है। तभी तो कहा जाता है, याद है, यदि प्रधानमंत्री त्याग पत्र दे दें तो ऐसे में मंत्री परिषद भंग हो जाती है, यदि प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए तो ऐसे में मंत्री परिषद भंग हो जाती है, क्योंकि बीच की कम्युनिकेशन कौन कर रहा है? यहां पर जो कम्युनिकेशन दोनों में एस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो संवाद दोनों में एस्टेब्लिश कर रहे हैं, वो आपके प्रधानमंत्री कर रहे हैं। ठीक है भाई, चलें अगले सवाल पर। चलिए अब चलते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है, हमारे संविधान के अंतर्गत यदि किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह कौन है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी मंत्री परिषद, ऑप्शन डी है मंत्रिमंडल। अब एक बात बताइए, जैसे जब हम संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करते हैं, संयुक्त राज्य अमेरिका में कौन सी व्यवस्था पाई जाती है? वहां पर अध्यक्षीय व्यवस्था पाई जाती है। अध्यक्षीय व्यवस्था का मतलब क्या हुआ? एकल कार्यपालिका पाई जाती है और एकल कार्यपालिका में कौन है? केवल राष्ट्रपति हैं, यानी कि राष्ट्राध्यक्ष भी वही होते हैं और वहां पर वास्तविक शक्तियां भी उनके पास होती हैं। ऐसे में राष्ट्रपति आपको शक्तिशाली दिखाई देंगे संयुक्त राज्य अमेरिका में, लेकिन भारत में अध्यक्षीय व्यवस्था नहीं है। भारत में अगर केंद्रीय स्तर पर बात की जाए तो भारत में कौन सा सिस्टम काम करता है? आपका पार्लियामेंट्री सिस्टम काम करता है, संसदीय व्यवस्था काम करती है। और संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत हमको क्या देखने को मिलता है? संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत हमको दोहरी कार्यपालिका देखने को मिलती है। दोहरी कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ? नामित कार्यपालिका भी और वास्तविक कार्यपालिका भी। यहाँ पर नामित कार्यपालिका कौन है? नामित कार्यपालिका राष्ट्रपति है और वास्तविक कार्यपालिका कौन है? वास्तविक कार्यपालिका प्रधानमंत्री है। जैसे हमने अभी आर्टिकल 74 डिस्कस किया था, उसमें क्या जाना था? भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्री परिषद की सिफारिश पर काम करेंगे। तो वास्तविक तौर पर किसकी सिफारिश पर काम करते हैं राष्ट्रपति? प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। तो ऐसी स्थिति में वास्तविक शक्तियां किसके पास हैं? प्रधानमंत्री के पास हैं। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहते हैं, हमारे संविधान के अंतर्गत यदि किसी कार्यकारी की यदि अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना की जाए तो वह पद कौन सा है? वह पद भारत में राष्ट्रपति का पद नहीं है, वह पद भारत में प्रधानमंत्री का पद है, क्योंकि वास्तविक शक्तियां किनके पास हैं? प्रधानमंत्री के पद के पास ही हैं। ठीक है भाई, चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए भाई अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। भारत में केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों को शपथ कौन दिलवाता है? ऑप्शन ए
भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी लोकसभा अध्यक्ष और ऑप्शन डी है गृह मंत्री। अब एक बात बताइए, हम पिछले कई वीडियोस में लगातार चर्चा कर रहे हैं कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की नियुक्ति कौन करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, इन्हें इनके पद से कौन हटाता है, इन्हें इनके पद से राष्ट्रपति हटाते हैं प्रधानमंत्री की सिफारिश पर, तो यहाँ पर शपथ कौन दिलवा रहे हैं, यहाँ पर जो शपथ दिलवाएंगे वो भारत के राष्ट्रपति दिलवाते हैं। तो किस आर्टिकल के माध्यम से, भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 और इसका हिस्सा आपको देखने को मिलेगा चौथा, यानी कि 75 के चौथे के माध्यम से क्या कहा गया है, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए जो प्रारूप दिए गए हैं उनके अनुसार उसको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। तो केंद्रीय मंत्रियों को शपथ कौन दिलवाते हैं, केंद्रीय मंत्रियों को शपथ दिलवाने का जो काम है वो भारत के राष्ट्रपति का है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो आंसर ए होगा। ठीक है, चले अगले सवाल पर। चले भाई, अब चलते हैं अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर है हमारे सामने चौथा, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री को उनके पद की शपथ दिलवाता है, ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति, ऑप्शन डी है प्रोटेम स्पीकर। अब एक बात बताइए, प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, हमने आर्टिकल 75 देखा था, प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट करते हैं राष्ट्रपति, अपने मन से नहीं करते हैं ना, कैसे करते हैं प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट, भारत के राष्ट्रपति इस आधार पर करते हैं क्या उनका लोकसभा में बहुमत है, अगर लोकसभा में बहुमत है तो उनको प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है, और अगर प्रधानमंत्री का बहुमत खत्म हो जाए और प्रधानमंत्री यदि अपने पद से इस्तीफा ना दें तो उन्हें उनके पद से कौन बर्खास्त कर सकता है, भारत के राष्ट्रपति। तो ऐसे में उनको पद की शपथ कौन दिलवाने वाले हैं, भारत के राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के माध्यम से, भारतीय संविधान का आर्टिकल 75 का 4, देखिएगा, किसी मंत्री द्वारा अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्रारूपों के अनुसार उनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलवाएंगे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाने वाले हैं, प्रधानमंत्री को जो शपथ है भारत के राष्ट्रपति दिलवाने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए अब देखते हैं अगला सवाल क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित में से किसे प्रधानमंत्री इस्तीफा देते हैं, ऑप्शन ए उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन बी लोकसभा अध्यक्ष को, ऑप्शन सी भारत के उप प्रधानमंत्री को, ऑप्शन डी भारत के राष्ट्रपति को। अब एक बात बताइए, हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया, भारत के प्रधानमंत्री का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं। ठीक है, फिर हमने क्या जाना था, भारत के जो प्रधानमंत्री हैं किसके प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं, पर इस प्रसाद पर्यंत का ये तो मतलब नहीं हुआ कि राष्ट्रपति उन्हें कभी भी पद से हटा सकते हैं। इस प्रसाद पर्यंत का मतलब ये है कि प्रधानमंत्री लोकसभा में जब तक बहुमत है तब तक अपने पद पर रहेंगे, यदि लोकसभा में उनका बहुमत समाप्त हो जाता है तो उन्हें उनके पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, और अगर वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देते हैं तो ऐसे में क्या होगा, राष्ट्रपति के द्वारा उन्हें उनके पद से बर्खास्त किया जा सकता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री जी अपना इस्तीफा किसे सौंपने वाले हैं, प्रधानमंत्री जी अपना इस्तीफा जो है भारत के राष्ट्रपति को सौंपेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन डी। तो अब एक बात बताइए, हमने कई सारे मुद्दे डिस्कस कर लिए, जैसे अगर हम प्रधानमंत्री के अपॉइंटमेंट की बात करते हैं अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री को पद से हटाने की बात करें राष्ट्रपति करते हैं, प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा किसे सौंपते हैं राष्ट्रपति को सौंपते हैं, प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलवाते हैं राष्ट्रपति शपथ दिलवाते हैं। इसी तरीके से अगर हम केंद्रीय मंत्री परिषद के सदस्यों की बात करें उनकी नियुक्ति कौन करते हैं राष्ट्रपति करते हैं, उन्हें पद से कौन हटाते हैं राष्ट्रपति हटाते हैं, केंद्रीय मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं इस्तीफा कैसे सौंपेंगे राष्ट्रपति को सौंपेंगे, केंद्रीय मंत्री परिषद के जो सदस्य हैं उनको शपथ कौन दिलवाएंगे राष्ट्रपति दिलवाएंगे। अब मुझे लगता है इस मुद्दे पर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। ठीक है भाई, तो अगले वीडियो में हमारी मुलाकात जल्द होगी, लेकिन ध्यान से सुनिएगा, आपको 20 वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अनअकैडमी ऐप का लिंक मिल जाएगा, मेरी प्रोफाइल का क्लासेस का लिंक मिल जाएगा, तो अनअकैडमी ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, यूपीएससी सीएससी जीएस गोल सेलेक्ट कीजिएगा और मेरा नाम सर्च कीजिएगा वरुण पचौरी, वहां पर आपको मेरी क्लासेस मिल जाएंगी, फ्री क्लासेस भी हैं पेड क्लासेस भी हैं, दोनों को एक्सेस करने के लिए कूपन कोड लगेगा सिविल इंडीपीडिया CIVILHINDIPEDIA। तो जब आप सिविल हिंदी पीडिया कूपन कोड इस्तेमाल करेंगे तो फ्री कंटेंट तो एक्सेस होगा ही होगा, आपके लिए जो पेड कंटेंट अवेलेबल है उस पर अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा। ठीक है भाई, तो अब मुलाकात होगी हमारी बहुत जल्द अगले वीडियो के साथ, तो खुश रहिएगा, हंसते रहिएगा, मुस्कुराते रहिएगा और जल्द मुलाकात करते हैं। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा।